हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो भी वेडिंग से ही रिलेटेड है, लेकिन कोई आज मैं ड्रेस नहीं लेके आई हूँ, ना ही कोई गाउन का सूट का वीडियो नहीं है, ओल्ड साड़ी का रियूज़ भी नहीं है। आज का वीडियो मेरा सिल्क साड़ी के ऊपर है। जैसा कि आप लोग इस समय देख ही रहे होंगे कि शादियों के सीजन में अधिकतर सिल्क ही लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा फैशन में है बनारसी सिल्क या फिर ऐसे सिल्क जो होती है नॉर्मल वाली। तो बस उसी से रिलेटेड मेरा वीडियो है, क्योंकि मैंने एक वीडियो जो सिल्क साड़ी का मैंने बनाया है वो काफ़ी आप लोगों ने पसंद किया, लेकिन उसमें मैंने सारी साड़ियाँ अपनी नहीं दिखाई थी क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था। तो मैंने बोला था कि पार्ट टू मैं जल्दी बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि बीच में मेरे ड्रेस के वीडियो आ गए थे। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि उससे आप लोगों को कुछ आइडिया मिले कि किस तरीके से आप अपनी ड्रेसेस स्टिच करवाएं। तो वो वीडियो तो अभी मेरे चल ही रहे हैं और अभी और भी आने वाले हैं, लेकिन ये सिल्क साड़ी का मैंने इसलिए सोचा कि जल्दी से मैं पोस्ट करूं, क्योंकि शादियों का सीजन जो चल रहा है। तो आप लोग भी देखिए किस तरीके से सिल्क साड़ियों का ही ज़्यादा फैशन है। आप किसी भी शादी में जाइए तो आप अधिकतर लोगों को सिल्क साड़ी पहने देखेंगे, और क्योंकि सर्दियों का सीजन है तो अच्छी भी बहुत लगती है और पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, गर्मी नहीं लगती है। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो मेरा सिल्क साड़ी पार्ट टू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट साड़ी, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, ये हल्दी के फंक्शन के लिए बहुत ही परफेक्ट साड़ी बिल्कुल है। ये इसका जो येलो कलर मस्टर्ड है, थोड़ा सा चॉकलेट मस्टर्ड भी नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा ब्राउन और येलो मिक्स है, तो बड़ा प्यारा सा इसका कलर है। और इसका जो ये बॉर्डर बिल्कुल बनारसी, वो भी बड़ा खूबसूरत सा है। और इसका जो फैब्रिक, इसका सिल्क है, बहुत ही सॉफ्ट है ये, और ये पहनने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ही आसानी से ये बनने वाली साड़ी की सिल्क की, जो हल्की सी जिसकी कड़ी सिल्क होती है थोड़ी सी, उसको पहनने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट ये वाली जो सॉफ्ट होती है, इनकी प्लेट्स वगैरह एक बार आप बना लीजिए तो फिर बिल्कुल भी बिगड़ेंगी नहीं, आप बिल्कुल वैसे ही एकदम बनी रहेंगी। तो ये देखिए इस टाइप की साड़ी, और ये पूरी इस तरीके से पूरी साड़ी में बूटियाँ हैं, और इसका बॉर्डर तो बहुत ही खूबसूरत है, और पल्लू पे कुछ खास नहीं, बस यूँ ऐसे गोल्डन लाइनिंग है और बूटियाँ हैं, इस तरीके से इसका पल्लू है। और ब्लाउज भी इसी साड़ी से बिल्कुल, मतलब सेम ब्लाउज है इसी साड़ी के कलर का ही, ये इसी फैब्रिक का है वो। और लेकिन आजकल तो ब्लाउज कंट्रास्ट भी चल रहा है, तो आप चाहें तो इस पर मजेंटा कलर का अगर ब्लाउज पहनेंगी तो बहुत खूबसूरत लगेगा ब्रोकेट का। तो सिल्क साड़ी के साथ ब्रोकेट का ब्लाउज भी आप चला सकती हैं। अभी इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा वो ब्लाउज डिज़ाइनिंग और ब्लाउज के ही ऊपर आने वाला है, ब्रोकेट के जो ब्लाउज होते हैं उनसे रिलेटेड वीडियो मेरा आने वाला है, जल्दी मेरे चैनल पे आएगा वो। तो ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत ये साड़ी, हल्दी के फंक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट साड़ी है। और जो सेकेंड साड़ी है ये भी बहुत ही प्यारी साड़ी है, इसका पूरा ये मरून कलर का ये आँचल है, और ये भी येलो ही है, इसको भी आप हल्दी के फंक्शन या शादी के किसी भी फंक्शन में पहन सकती हैं। और इसका जो ये बॉर्डर है ये बहुत ही खूबसूरत है, इसका बॉर्डर ये पतला है और पूरा इस कलर का पूरा इसका पल्लू है, तो ये भी साड़ी पहन के बहुत ही खूबसूरत लगती है, और इसकी भी प्लेट्स वगैरह बहुत आसानी से बन जाती हैं। उसके बाद जो थर्ड साड़ी है, तो ये भी सिल्क है, लेकिन ये कोई मतलब जो थोड़ी सी, मतलब ये वाली सिल्क नहीं है, थोड़ा इसका फैब्रिक दूसरा है, और इसमें ये इस तरीके से चौड़ा सा बॉर्डर लगा हुआ है, तो ये भी साड़ी बहुत खूबसूरत लगती है पहन के, और इसका इसकी भी प्लेट्स वगैरह बहुत अच्छे से बन जाती हैं और बहुत ही अच्छी लगती है ये साड़ी पहन के। तो इस टाइप की साड़ियाँ ही बहुत चल रही हैं। अभी मैंने ऐसी एक ग्रीन साड़ी दिखाई थी आप लोगों को, उस पर मेरा एक वीडियो भी है जो मैंने स्वेटर पे किस तरीके से साड़ी को स्टाइल करें वो उस पर मैंने पहना, तो उस पर भी ऐसा ही बॉर्डर कुछ लगा हुआ, उसमें नेवी ब्लू कलर का है, तो बहुत खूबसूरत लगती है वो भी साड़ी पहन के, और ये साड़ी भी बहुत ही अच्छी लगती है, और इसका रेड कलर है तो ये और भी ज़्यादा अच्छी लगती है पहन के। और उसके बाद सिल्क पे एम्ब्रॉयडरी भी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो ये देखिए ये है एक, ये एक साड़ी है, ये सिल्क पे एम्ब्रॉयडरी है इसमें, तो ये थोड़ी सी हैवी है, लेकिन शादी वादियों में तो हैवी साड़ी थोड़ा अच्छी लगती है,
तो ये भी साड़ी बहुत खूबसूरत लगती है पहन के। ये देखिए इस तरीके से इसमें बॉर्डर है और इसमें इस तरीके से ये लगे हुए हैं। तो ये साड़ी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और काफ़ी हैवी साड़ी है ये, लेकिन ये साड़ी पहन के बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये देखिए आपको देख के लग रहा होगा काफी हैवी साड़ी है ये, और पूरे में इस तरीके से ये बने हुए हैं सर्कल जरी के वर्क की। और उसके बाद ये जो साड़ी है ये भी सिल्क है, और इस पे जो है ये पूरा इस तरीके से ये जो स्टोन वर्क होता है ये लगा हुआ है, और ये तो बहुत खूबसूरत साड़ी है। ये साड़ी का कलर पिंक और रेड मिक्स है, तो कभी लगेगा कि मतलब हल्का सा पिंक और रेडिश मिक्स है, तो बड़ा प्यारा इसका कलर लगता है। ये देखिए इस तरीके से है, बहुत ही खूबसूरत लगती है ये साड़ी पहन के। ये साड़ी अभी मैंने जल्दी एक फंक्शन में पहनी है, तो मैं इसकी पिक लगा दूंगी। इस पे भी इस तरीके से ये टैसल्स लगे हुए हैं, और ये भी आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है, अधिकतर साड़ियों में लग के आ रहे हैं और अच्छे भी बहुत लगते हैं। तो ये साड़ी भी ये बहुत ही इसका सॉफ्ट फैब्रिक है, और इसकी भी प्लेट्स वगैरह बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। इस जब भी आप सिल्क की साड़ी कभी परचेज करिए तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि सिल्क उसकी सॉफ्ट हो, ताकि उसकी प्लेट्स वगैरह बहुत अच्छे से बन जाएँ, तो साड़ी पहनने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो ये पिंक और रेड मिक्स में है, उसके बाद थोड़े से डिफरेंट कलर भी आ जाते हैं। तो ये देखिए ये एक है ग्रीन, ये भी बहुत सुंदर लगती है साड़ी। ये पिकॉक ग्रीन और नेवी ब्लू का कॉम्बिनेशन है, और पूरी साड़ियों में इस तरीके से बूटियां हैं। ये इसका नीचे का बॉर्डर है, और जो इसका ये पल्लू है पूरा जरी के काम से पूरा भरा हुआ। ये देखिए तो इस टाइप की साड़ियां भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती हैं पार्टी में, और बिल्कुल अलग ही इन साड़ियों का लुक आता है पहन के। और उसके बाद ये आती है ब्लू कलर की, तो ये साड़ी भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है पहन के, बहुत खूबसूरत ये साड़ी लगती है। और इस पर भी ये देखिए पूरा स्टोन वर्क है, ये इस तरीके से कैरी बनी है, और इन पे ये देखिए स्टोन लगा हुआ है बीच में बड़ा, और किनारे किनारे छोटे स्टोन हैं, फिर ये बूटियाँ हैं, और इसका जो पल्लू है वो नेवी ब्लू है। ये देखिए इस तरीके से इसका पल्लू है नेवी ब्लू कलर का। तो ये साड़ी भी पहन के, और इसका भी सिल्क बहुत सॉफ्ट वाला है, इसकी भी प्लेट्स वगैरह बहुत अच्छे से बनती है, ये भी साड़ी पहन के बहुत खूबसूरत लगती है, क्योंकि इसका जो कलर है वो बहुत प्यारा कलर है ब्लू, जो इतना कैमरे में अच्छा नहीं दिख रहा है जितना ये सामने से, बहुत ही प्यारा है इसका ब्लू वाला, ब्लू जो इसका है बहुत प्यारा वाला कलर है। तो ये हो गई एक, और उसके बाद एक ये येल्लो साड़ी है, तो ये भी देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट हल्दी के रस्म के लिए। ये देखिए इसका ये बॉर्डर रेड है, और ये भी साड़ी पहन के बहुत खूबसूरत लगती है। ये इस तरीके से आती है पूरी साड़ी, ये बहुत ही प्यारा इसका हल्दी वाला जो पीला होता है कलर वो है, और आप हल्दी के फंक्शन में या शादी किसी भी फंक्शन में पहनिए, बिल्कुल अलग ही इसका लुक आएगा। और इसका जो ब्लाउज है वो, क्योंकि और सबके ब्लाउज तो अलग रखे, लेकिन इसका साथ में तो मैं दिखा रही हूँ कि देखिए ये इसका ब्लाउज है, जैसा इसका ये बॉर्डर दे रखा है उसी तरीके से, और इसका पल्लू जो है वो ये देखिए रेड येलो का, कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है इसका इस साड़ी का। तो आप इस तरीके की साड़ियों में इन्वेस्ट करिए जो कि एवरग्रीन, इनका ना ही कभी फैशन जाने वाला है, और पहन के भी लुक भी बहुत ही अच्छा लगता है इन साड़ियों का। ये गोल्डन जरी का इसमें वर्क है, और बीच बीच में ये पूरे में बूटियां बनी हुई हैं रेड पल्लू, तो ये भी साड़ी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। तो ये तो था मेरा पार्ट
2 सिल्क साड़ियों का कलेक्शन। आप भी इस तरीके की सिल्क साड़ियों में इन्वेस्ट करिए जो कि एवरग्रीन और कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती हैं, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ियों में तो थोड़ा सा रहता है कि हाँ उनका फैशन चला जाता है, फिर वो रखी रह जाती हैं, फिर उनको हम लोग सोचते हैं क्या करें, इनका किसी को दें या कुछ स्टिच करवाएं, लेकिन सिल्क की साड़ियों का फैशन कभी नहीं जाता है। तो आप इस तरीके की साड़ियों में इन्वेस्ट करिए जो कि आजकल ट्रेंड में भी हैं और बहुत ही पहनने। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, कैसी लगी आपको मेरी ये साड़ियाँ पार्ट टू, सिल्क साड़ी का पार्ट टू कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं तो आप भी इसी तरीके की साड़ियाँ परचेज करिए जो कि आपके बिल्कुल परफेक्ट होंगी फंक्शन के हिसाब से, सर्दियों के हिसाब से भी और फंक्शन के लिए भी और फैशन में भी, क्योंकि फैशन भी है इसी का, तो काफ़ी आपका अच्छा रहेगा इस टाइप की साड़ियाँ परचेज करना। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए फैशन से रिलेटेड, और जो उसके बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए। और आप और भी सजेस्ट करिएगा कि मैं किस टाइप के वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि मेरे अधिकतर इस समय जो वीडियो हो रहे हैं वो साड़ी से रिलेटेड या इसी टाइप से रिलेटेड हो रहे हैं, क्योंकि मैं सोची वेडिंग सीजन चल रहा है तो मैं इसी टाइप से आप लोगों को कुछ ना कुछ थोड़े अच्छे वीडियो देती रहूं जिससे आप लोगों को भी कुछ हेल्प हो और देखने में भी अच्छा लगे। और प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। तो फिर मिलती हूँ किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।